आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello everyone, the question here it would be that which one is not important in the learning process of Thorndike stimulus response, that it would be SR theory. अगर हम लोग SR theory की बात करें जो कि Thorndike जी ने दी थी, उसके according जो था ना उसका principle पता क्या था? Conditioning. उसका basic जो principle था जिस पे वो work करती थी वो थी conditioning. ठीक है, और जो कंडीशनिंग के बारे में अगर मैं आगे बताऊं, जो थॉर्नडाइक थ्योरी थी वो ट्रेलर एरर थ्योरी थी। दे प्रोवाइड अस अबाउट ट्रेल एंड एरर थ्योरी। कोशिश करते जाओ, एक बार हम लोग वो कोशिश में कामयाब होंगे जिसमें कि एनिमल्स में, ह्यूमंस के बीच में एक्चुअल बिहेवियर और एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने ये थ्योरी बनाई थी। ठीक है, जिसमें एक्चुअल एक्सपेरिमेंट किए गए। सो यहाँ पर है, उसमें हमें ऑपरेंट बिहेवियर चाहिए, स्टिमुलस चाहिए, मोटिव चाहिए, ड्राइव चाहिए। सो यहाँ पर अगर आपको याद होगा ना, जो हमारी थ्योरी थी थॉर्नडाइक की, उसमें उन्होंने क्या कहा कि एक स्टिमुलस होगा। ठीक है, जैसे कि कोई भी डॉग है, उसका सलाइवा सेक्रेट होता है माउथ से व्हेन जब उसके सामने कोई स्टिमुलस होता है ना, तो ये जो है उसमें जरूरी है, बट ऑपरेंट बिहेवियर इज नॉट रिक्वायर्ड। So that's why the correct option for this question it would be A. So thank you. Class 6 to 12 से लेके NEET, IIT, JEE, mains और advanced के level तक 10 million से ज़्यादा students का भरोसा। आज ही download करें Doubtnut app या WhatsApp कीजिए अपने doubts 8400400400 पर।